नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका आर्ट्स में राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है यानी पॉलिटिकल साइंस, उन विद्यार्थियों के लिए फिर से हम एक बार टॉप 10 ऐसे VVI प्रश्न लेकर के आए हैं, ऐसे VVI प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। और ऐसे प्रश्नों के ये आपका जो सीरीज है ये आपका 6वां सीरीज है, 6th सीरीज है अब तक। अगर आज के पूरे सीरीज को अगर आप देख पाते हैं तो समझिए पॉलिटिकल साइंस के 60 क्वेश्चन आपको इस चैनल के ऊपर में करा दिए जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन बहुत मायने होता है और इसके आगे के भी सीरीज हम अभी आपको इस चैनल के ऊपर में आगे लाएंगे। तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे इस तरह दिख पा रहा होगा, एकदम बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए, ये खूबसूरत सा प्रश्न और बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है आपका कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शन 1 है 1990 के दशक में, दूसरा है 1970 के दशक में, तीसरा 1960 के दशक में और चौथा 1980 के दशक में। फटाफट से सही जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं कि कौन से ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए जल्दी से एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए, चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। या तो आप अपना एक पेज पे लिख लेंगे कि ए सही होगा या बी सही होगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं सही जवाब की ओर, तो ये ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले भूमंडलीकरण, इसी को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं आमतौर पर, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो विश्व में, याद रखेंगे अपने यहाँ अगर बात कर लेंगे तो 1990 के दशक से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है प्रवाह, ये याद रखेंगे। ऐसे तो इसके बहुयामी टाइप के एजेंडे हैं, उसमें बहुत चीज़ें मैटर करते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे प्रवाह जिसको हम कहते हैं फ्लो, ये याद रखेंगे। तो प्रवाह तो पहले भी होता था ना, वस्तु का, पूंजी का, तकनीक का, यही सब तो आप पढ़ते हैं। तो पहले भी तो हमारे यहाँ फ्लो होता था, जैसे मान लेते हैं कि जब हमारा आज़ादी, हम लोग गुलाम में थे तो उस समय में अंग्रेज जब कब्जे कर रखा था तो उस समय भी हमारे यहाँ वस्तुएं जो है वो विदेशों में जाते, विदेशों से बनी बनाई जो सामान है वो भारत में आते हैं। लेकिन यहाँ जब आप ग्लोबलाइजेशन का निचोड़ अध्ययन करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि फ्लो पहले भी हो रहा है और फ्लो 1990 के दशक के बाद भी हो रहा है। लेकिन क्यों हम 1990 के दशक में हम कहते हैं कि भूमंडली की शुरूकरण की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे फ्लो की जो गति है, ये याद रखेंगे, प्रवाह की जो गति है वो काफ़ी अधिक हो गई 1990 के बाद। याद रखेंगे ओपन इकोनॉमी और काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वर्ल्ड व्यापार को लेकर सम्मेलन किया जाएंगे, बहुत सारे देश जो भी व्यापार के लिए राजी नहीं थे उनके खुले द्वार की नीति अपनाई जाएगी और वो ओपन इकोनॉमी कर लेंगे और दूसरे देशों से नाता रखेंगे। तो दूसरे देश से जब खरीद बिक्री कर रहे हैं, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भारी संख्या में पूंजी, तकनीक, श्रम का प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह से एक सटीक जो अगर आपका आंसर बात कर लेंगे तो फर्स्ट का ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 1990 के दशक से। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति कब आई थी, 1991 ईस्वी, ठीक है। तो ये भी किस दशक में शामिल हो जाएगा, यही 1990 के दशक में। तो चलिए हम समझ पा रहे हैं कि आप अब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण, ठीक है। प्रवाह ज़्यादा हो तो ये भूमंडलीकरण है, पहले भी वैश्वीकरण होते थे, आज भी वैश्वीकरण है, लेकिन मुख्य रूप से 1990 के दशक से ज़्यादा वैश्वीकरण मानते हैं, क्योंकि इसके बाद से टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ में सुधार हुए और बहुत तेज़ी से विचार है, पूंजी है, श्रम है, तकनीक है, सबका प्रवाह बहुत तीव्र गति से हुआ, तो एक शब्द आया भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। चलिए अब सेकंड प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न है कि ओजोन परत का नुकसान से कौन सा गैस उत्सर्जन हो रहा है। जो हमारा ओजोन परत है इसका जो नुकसान हो रहा है तो इससे कौन सा गैस जो है, एक मिनट, कौन सा गैस ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन परत के नुकसान से कौन सा गैस ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। फटाफट से ऑप्शन सही जवाब देंगे।
तो ये ध्यान सुनेंगे। प्रश्न शायद हमें लगता है कि उटपटांग सा दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा जो ओजोन परत है, जो पृथ्वी को चारों ओर से, जैसे मान ली पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर से वायुमंडल की जो अलग अलग लेयर है, जो चारों तरफ से जो कवर किए हुए है, तो इसमें से एक परत है, इसको कहते हैं ओजोन परत। और ये ओजोन परत प्रभावित हो रहा है, और इसको प्रभावित करने वाला सबसे जो खतरनाक गैस है, उस गैस का नाम है क्लोरीन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, प्रश्न में मिस्टेक होगा। प्रश्न ऐसे होना चाहिए था कि ओजोन परत को नुकसान करने वाला कौन सा गैस है, ठीक है? तो प्रमुख जिम्मेवार गैस, जैसे आप ग्रीन हाउस गैस वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह से ये आपका क्लोरीन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस, ये याद रखेंगे। सेकेंड का बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए तीसरे प्रश्न की अगर और बढ़ते हैं, तो एकदम बढ़िया सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। अगर इस प्रश्न को जवाब नहीं दे रहे हैं तो समझिए आपका भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ना तो आप दसवां में अच्छे तरह से पढ़े थे और ना आप ट्वेल्थ क्लास में। निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? याद रखेंगे, कौन ऐसे हैं जो ग्लोबलाइजेशन के विषय में, यानी भूमंडलीकरण को लेकर, यानी वैश्वीकरण को लेकर के वो आलोचक नहीं है। मतलब है कि साफ साफ कि उनका वो समर्थक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, फ्रैंक, दूसरा है वालर अस्टीन, तीसरा है चोबस्की, चौथा है मनमोहन सिंह। इनमें से एक ऐसे ऑप्शन को चूज करिए कि जो ऑप्शन, जो आदमी जो है भाई, वो भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है, मतलब भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले आदमी। तो यहाँ पे सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। बोलो डी ऑप्शन क्यों राइट होगा? आप दसवां में पढ़े थे कि 1991 में वैश्वीकरण की जब नीति आई थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, वित्त प्रधानमंत्री, वो कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। इन्हीं के समय काल में, याद रखेंगे कि हमारे यहाँ 1991 में LPG की नीति आई, LPG, ये याद रखेंगे, LPG, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसको इसको कहते हैं वैश्वीकरण, ये निजीकरण, और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, अगर ये ला रहे हैं तो ये आलोचक कैसे हो सकते हैं? समर्थक है, इसीलिए तो ला रहे ना। इनको लगा कि ग्लोबलाइजेशन से कंट्री, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बढ़ावा मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी आएंगे, चीज़ें सस्ते हो जाएंगे, बाजार कॉम्पिटिशन का हो जाएंगे, जिससे उपभोक्ता को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? तो ये इसके आलोचक नहीं है। तो 3D ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 4 प्रश्न है कि विश्व श्रम संगठन की मुख्यालय कहाँ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से जवाब देंगे। अगर आप पहले के सीरीज से देखते आ रहे हैं तो आराम से जवाब देंगे कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए, ऑप्शन 1 है आपके सामने दिल्ली, दूसरा पेरिस, तीसरा लंदन, चौथा जिनेवा। फटाफट से जवाब देंगे। चलिए तब तक तो कुछ विशेष जानकारी देते। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी एकदम डीप से अच्छे से हम स्टडी कर ले, तो अभी भी आपके लिए टाइम है। ओवरऑल आप PDF और वीडियो लेक्चर से आराम से तैयारी कर लीजिएगा। आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हम लेकर के आए हैं, और PDF ये मात्र और मात्र जो है आपको हम अपने WhatsApp से जोड़ के देंगे। एक वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट दे देंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और सोशियोलॉजी का। और यहाँ पे आपको वहाँ से Part 1, Part 2 करके वीडियो मिल जाएंगे। एक एक वीडियो आपको देखने हैं, और सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो है PDF का। PDF के सहायता से आप जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो PDF मात्र और मात्र एक सब्जेक्ट का हम आपको 51 रुपये में दे देंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मेन पॉइंट, सब, इससे बाहर आपका बोर्ड कहीं भी पूछ ही नहीं सकता है। और इसमें बहुत तरह के आपको ज़्यादा जानकार देना, ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना, ये मेन मोटिव नहीं है। इसमें है कि बोर्ड एकदम अच्छे तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है? तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कहीं अधूरी है या कुछ कुछ चैप्टर छूट गए हैं, ये ओवरऑल एक बार में PDF के साथ एक सीरीज में हम देखना चाहते हैं, एक एक झटका सब, जैसे डेली एक एक PDF ऊपर ऊपर देख लेंगे कि इसमें क्या पढ़ने थे, क्या नहीं पढ़ने थे, तो आप हमारे WhatsApp से जुड़ करके और PDF ले सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आप नोट्स कर सकते हैं, 8825376548।
5-1 जो बोले उस पर आप ध्यान सुनेंगे, या फिर अगर आपको वर्डिंग मिस्टेक लग रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां तो हमारा व्हाट्सएप का लिंक ही है, आप उसको टच करेंगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब सही जवाब की बात कर लेंगे। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में पड़ता है। बताओ, कोई ऑप्शन में कमेंट में करना है कि बताओ जिनेवा किस कंट्री में पड़ते हैं, एक देश जिसका नाम है, इशारे के लिए बता रहे हैं, यूरोप का एक देश, जैसे नीचे में ये इटली मिलेगा आपको, इटली के बगल में इधर ऑस्ट्रिया मिलेगा, ऑस्ट्रिया के ऊपर में जर्मन मिल जाएगा और जर्मन की सीमा इधर फ्रांस से लग जाएगी सर, ठीक है, और जर्मन की सीमा फ्रांस से, इधर आपका ऑस्ट्रिया, इधर आपका जर्मन, इधर आपका फ्रांस और नीचे में ये इटली और ये बीच में एक कंट्री है यूरोप में, इस कंट्री का नाम बताना है, इसी कंट्री में पड़ता है आपका जिनेवा, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है। वो कंट्री कौन सा है आपको नाम बताने हैं, इशारे के लिए बता दे कि 2022-23 में मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 आ गया है नार्वे को पीछे छोड़ के। चलिए अब हम यहाँ 5वें नंबर प्रश्न की ओर बात कर लें। बड़ा ही इजी प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, बताइए आयरन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं भारत में? महात्मा गांधी ए ऑप्शन, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे, सही जवाब बिल्कुल जल्दी जल्दी करिए। ऑप्शन अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार पटेल साहेब को। जब इस समय एकदम पूरा का पूरा एकीकरण की बात चल रही थी तो यहाँ पे कहीं बल्ब का प्रयोग करके कहीं कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको विलय पत्र, जिसको हम सहमति पत्र कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पत्र था, उस पर अगर साइन करने का मतलब है कि आप अपने क्षेत्र को किसमें मिला रहे हैं, तो भारतीय संघ, ठीक है, तो वो उस पर सिग्नेचर कराने का काम भी किए। चलिए 6 प्रश्न है, बढ़िया सा, अच्छा आंसर मिला दिया भी आपको, आंसर हो गया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है आपका 6 प्रश्न, सुरक्षा परिषद में वीटो संपन्न कौन नहीं है? बताइए कि सुरक्षा परिषद में वीटो संपन्न जो है वो कौन नहीं, क्या चीन नहीं है, रूस नहीं है, फ्रांस नहीं, या फिर जापान नहीं? फटाफट से सही जवाब आप दीजिए कि सुरक्षा परिषद में वीटो संपन्न कौन नहीं। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा जापान। चूंकि आपको मालूम है कि वीटो संपन्न की बात कर ले तो इन चारों को, तीनों को वीटो मिला है, रूस को भी और चीन को भी और फ्रांस को भी। हालांकि पहले वीटो सोवियत संघ के पास था, लेकिन सोवियत संघ जब टूटा तो उसका वीटो जो है वो किस पे ट्रांसफर हो गया, रूस पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों वीटो है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किनको वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर वाले कंट्री आप याद रखेंगे, अबे चीनी वाली को याद रखेंगे, अबे चीनी वाली को फंसाया, याद रखेंगे क्या किए हैं, फंसाया शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ब्रिटेन वाली रूस गई, याद रखेंगे ब्रिटेन वाली क्या हो गई सर, रूस गई, आप समझ जाइएगा। अबे का मतलब अमेरिका, इनको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा अबे चीनी वाली को, दूसरा आपका कंट्री चीन भी है, इनको भी वीटो पावर मिला है, चीनी वाली को क्या किए आप, फंसाए, तो तीसरा फ्रांस भी आपका वीटो पावर वाला है, तो ब्रिटेन वाली क्या हो गई, रूस गई, तो ब्रिटेन भी आपका ये भी वीटो संपन्न देश है और रूस मने ये भी वीटो संपन्न देश, ये 5 कंट्री याद रखेंगे सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य है, 15 में से 5 जो है वो आपका अस्थाई है और 10 जो है आपका अस्थाई है। तो 5 स्थाई कौन कौन है, अबे चीनी वाली को फंसाया तो ब्रिटेन वाली रूस गए, यानी अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। चलिए ट्रिक अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एकदम हम आपके लिए हमेशा सीरीज लेकर के आते हैं। हमें बेहद खेद होता है जब एक दिन किसी भी तरह से टाइम आउट हो जाता है, टाइम पे सीरीज अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए माफ़ी चाहेंगे उन सबके लिए, कभी कभी ऐसा होता है, बाकी दिन एक दिन बीच करके इस पे पर्डे 6 से 7 के बीच आपको हम वीडियो देते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बताइए कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 8, 10, 12 और 14, फटाफट से जवाब दें। तो बिल्कुल सही जवाब यहां पे हो जाएगा आपका 14। एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के काल में हुआ है।
जब इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं तो उसमें सभी बता दिए हैं कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है और किस समय में ये किए गए हैं और क्यों नहीं किए गए। अब जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ तो कितने करोड़ पूंजी के साथ हुआ, ये सारे कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि जो जो बच्चे अभी पढ़ लिए हैं उनका एक तरह से रिवीजन है, जहां तहां के प्रश्नों से, आगे पीछे के प्रश्नों से एक तरह के रिवीजन करा रहे हैं वीवीआई के रूप में। ठीक है, अब हम 8 नंबर प्रश्न की बात कर ले। बेहद खूबसूरत सा और प्यारा सा प्रश्न है, ये आपका सी तीर से है। गुट निरपेक्षता आंदोलन हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, बताना है आपके, सही जवाब बताइए कि कब हुआ। ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा 1961 और चौथा 1963। बड़ा मजेदार प्रश्न है, बार बार बोर्ड में छपने वाला प्रश्न है, एकदम रसूलो, एकदम बताइए आराम से। चलिए एकदम बता देंगे आप, बर्फी खिलाएंगे हम आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका 1961, जब जिस समय में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NAM, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके स्थापना 1961 में हुआ था, जिसमें आपको काफी सारे देश जैसे सुकर्नो है, घाना है, भारत है, ये सब नए नए देश जो आजाद हुए थे, इनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये निर्णय लिए कि हम ना तो नाटो में जाएंगे और न तो हम वर्सा पैक के तरफ जाएंगे, हम लोग एक ऐसे गुट में शामिल होंगे जिनका इन सभी से, युद्ध से और शीत युद्ध से कोई लेन देन नहीं रहेगा। तो इसकी जब स्थापना हुआ था ना 1961 में, उसी समय याद रखेंगे सर्बिया की राजधानी पड़ता है जिसका नाम है बेलग्रेड, ये याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, तो नाम है आपका बेलग्रेड, और बेलग्रेड में पहला प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ जी, ये याद रखेंगे, पहला प्रथम शिखर सम्मेलन आपका बेलग्रेड में हुआ था और कब हुआ था 1961। अगर यही चीज आपसे भारत में करके पूछ दे कि भारत में गुट निरपेक्षता के लिए शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ 1983 ईस्वी में, याद रखेंगे कब हुआ था 1983 ईस्वी में। और कह दे कि कहाँ हुआ, तो ये याद रखाएंगे नई दिल्ली में। थोड़ा ट्रेन का अगर आवाज आ रहा होगा तो आप सबसे माफी चाहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। चाहिए तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे भारत में 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्षता को लेकर के पहला प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। बाकी अगर ऐसे खाली कहेंगे, भारत नहीं लगा के कहेगा, तो याद रखेंगे वर्ल्ड में 1961 में और बेलग्रेड में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 9वें नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी प्रश्न अपने आप में लाजवाब ही है, कहे ना कहे बराबर है। चलिए ध्यान सुनेंगे, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। कितना बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है कि सोवियत व्यवस्था जो चलते थे उसमें से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता था। व्यापारीगण करते थे, राज्य करते थे, जनता करते थे, ये इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि सोवियत संघ की जो इकोनॉमी थी वहां अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कौन कर रहा था, तो वो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण राज्य कर रहा था। राज्य डिसीजन लेगी कि किसको कितना छूट दिए जाएंगे संपत्ति रखने का, किनको संपत्ति रखने का छूट नहीं दिए जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित किस तरह मुहैया कराया जाए लोगों को, ये सारा कुछ राज। उत्पादन के सभी साधनों पर कंट्रोल किसका था, सरकार का था, ये याद रखेंगे सोवियत अर्थव्यवस्था में। और बढ़िया था, इसकी विशेषता भी हम लोग पढ़े और इसके कमियां भी पढ़े। विशेषता यही थी कि यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं थी, नाम मात्र की बेरोजगारी नहीं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एकदम पूरा हाईलाइट हो गई थी, इतनी ताकतवर हो गई कि अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी टक्कर देने के लिए वर्ल्ड में दूसरा अगर कोई खड़ा है तो वो है आपका सोवियत संघ। फिर आगे चल के इसमें कमियां भी हो गई थी, वो भी हम देखे कि लगातार 70 वर्षों तक एक ही पार्टी की शासन हो गई, नौकरशाही का सिकंजा कसाते चला गया, सब चीजें आपको पढ़ाए गए। अब यहाँ 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, बेहद खूबसूरत है। बर्लिन दीवार का निर्माण कब हुआ, बताइए जल्दी 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 बताइए, अभी तो पक्का बर्फी भेज देंगे हम आपके लिए पैक करा करके, जल्दी से बताइए 1961 में बर्लिन दीवार का निर्माण हुआ या फिर 1965 में हुआ है या 1970 ईस्वी में, 1975 में, जल्दी से आप सोचिए। बर्फी आप लोग देखे हैं, बर्फी हम लोग बचपन में ऐसे वाला बर्फी खाते थे, आप खाए हैं, एक चरखुट टाइप के रहेगा और ये छोटे छोटे बर्फी रहता है, हम उस बर्फी की बात कर रहे हैं, आप लोग तब से क्या सोच रहे हैं, ऐसे बर्फी की बात कर रहे हैं, ऐसे वाला होता था हमारे टाइम में, ये 20-25 ऐसे ऐसे छोटे छोटे डब्बे रहते थे, इसको तोड़ तोड़ के खाए बड़ा मजा आता था। एक रुपये में पहले तो हम 8-9 में खाते थे 50 पैसे में, फिर 1 रुपये में भी हम ये बर्फी खाएं, अब पता नहीं कितने में देते हैं और कैसा लगता है, अभी बहुत दिनों से हम टेस्ट खुद नहीं किए। चलिए यहाँ पे 10 की अगर बात कर लेंगे
तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम राइट। 1961 ईस्वी में बर्लिन दीवार का निर्माण किया गया, और बता दे 1961 ईस्वी में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। और ये याद रखेंगे अगले साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्लिन दीवार कब बना? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में NAMI, और ये दीवार याद रखेंगे जर्मन की राजधानी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा बना दिया गया। इस दीवार के इधर पूर्वी जर्मनी, इस दीवार के इधर पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी के क्षेत्रों में सोवियत संघ का अधिकार हुआ और पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्रों में सेना उतारती है अमेरिका। इस समय कोल्ड वार में ऐसा चल रहा था कि 1945 से लेकर के वर्ल्ड में 90 के आसपास का ये दौर था कि दोनों में ऐसा तानातानी है कि जैसे मान लेते हैं कहीं भी आप ले लीजिए आप कोरिया को, उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ सेना उतार रही तो दक्षिणी कोरिया में अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे के एकदम एंटी में था। ये जहाँ वहाँ बगल में यूँ मौका देखे अमेरिका भी, आज जहाँ अमेरिका वाला देखे वहाँ सोवियत संघ भी मौका देखे, स्थिति तानातानी के है। तो चलिए आज का सीरीज आपको कैसा लगा आपको कमेंट में भी करना है, और आज आप कितने में कितने सही कर पाएँ ये भी आपको स्कोरिंग यहाँ पे देना है कि 10 में सर 7 सही है 8 सही है। मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।